भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले रातों रात साउथ अफ्रीका पहुंचे रोहित शर्मा दूसरे वनडे मैच में करेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के हार में कहीं न कहीं केएल राहुल की कप्तानी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। केएल राहुल पहले वनडे मुकाबले में सही गेंदबाजी रोटेशन करने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते साउथ अफ्रीका के दो खिलाड़ियों ने बड़ी साझेदारी कर भारतीय टीम को इस मुकाबले से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, टीम में वेंकटेश अय्यर को एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया था, बावजूद इसके वो एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं किए, जिसके चलते कई टीम प्लेयर्स का ये मानना है कि केएल राहुल अभी कप्तानी में पूरी तरह से फिट नहीं साबित हुए हैं, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया पर ये मांग कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका भेजा जाए, जिससे कि भारतीय टीम अगले आने वाले दोनों मुकाबलों पर जीत कर सीरीज में अपनी जीत हासिल करे। फैंस ने ये भी कहा है कि अगर रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले में कप्तान होते तो शायद साउथ अफ्रीका की टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाती। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपके मुताबिक क्या अगर रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम में शामिल रहते तो क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाती या नहीं, नीचे दिए कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।